तो आप सबका स्वागत है ऑटोमेशन इंडिया में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी लीक से हटके, मतलब लीक से मेरा मतलब है कि आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। आप कभी भी किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फॉलो करते हैं तो आप उसकी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि इस चैनल में क्या क्या कॉन्टेंट्स चल रहे हैं, क्या आपको देखना है। प्लेलिस्ट से बहुत फ़ायदा आपको रहता है। तो आज जो हमारी प्लेलिस्ट, एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट होने जा रही है, वो होने जा रही है आफ्टर मार्केट पे। तो आज की पहली वीडियो होने वाली है आफ्टर मार्केट पे। वीडियो देखने से पहले एक इन्फॉर्मेशन यार, इन्फॉर्मेशन ये कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आपने कोई कार परचेज करी, कार परचेज करते वक्त आपको जो आपका डीलर है वो आपको कहता है कि सर हमारा एक पैकेज है 40,000 का सपोज़ या 30,000 का, ये पैकेज ले लीजिए जिसमें आपको आपकी एसेसरीज़ मिलती हैं। एसेसरीज़ में क्या होता है, आपका म्यूजिक सिस्टम, अगर आपका टॉप मॉडल नहीं है तो टॉप मॉडल में तो म्यूजिक सिस्टम आता है, आप उससे नीचे वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो उसमें आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। तो वो आपको एक पैकेज बना के देता है, आपको वो पैकेज लेना है। तो उस पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है, म्यूजिक सिस्टम मिलता है, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, सीट कवर मिल जाते हैं, मैट फ्लोर मिल जाते हैं, स्टेयरिंग व्हील कवर मिल जाता है, विंडो वाइजर्स मिल जाते हैं जिससे आपका मतलब रेन वगैरह में थोड़ा सही रहता है। तो अब देखो बात करूँ ना कि इसका पूरा खर्चा आपका मान लो 30,000 से 40,000 का उसने पैकेज बना दिया, चलो ठीक है। इसमें से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहली आपके म्यूजिक सिस्टम, दूसरा आपका पार्किंग सेंसर। क्यों इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए आप ये बाहर से लगवाते हैं, नई गाड़ी आपने ली है तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आफ्टर मार्केट में म्यूजिक सिस्टम लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है नई गाड़ी में। सपोज़ कि आपकी गाड़ी को हो गई भाई 4 साल 4.5 साल या मतलब वारंटी ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो गई है, आप अपने म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं और बहुत अच्छे म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छे रेट्स पे अवेलेबल हैं। तो उनका फ़ायदा वो तब रहता है यार जब आपकी वारंटी मतलब ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो गई है। हम अभी बात कर रहे हैं नई गाड़ी की, म्यूजिक सिस्टम लगवा लिया आपने, मतलब जो डीलर ने आपको कहा पूरा पैकेज ले लेते हैं, पूरा पैकेज आपने ले लिया। अब उस पैकेज में आपको देखो फ़ायदा क्या रहा और नुकसान क्या रहा। फ़ायदा ये रहा कि यार आपने जो म्यूजिक सिस्टम लगवाया उस पैकेज में से और जो पार्किंग सेंसर मतलब इलेक्ट्रिसिटी या वायर से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ लगवाई तो वो कंपनी की तरफ से लग गई, आपकी वारंटी बच गई। अब आते हैं पॉइंट पे यार, आपके सीट कवर्स, आपका मैट फ्लोर जो भी होती है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें वायर कटिंग नहीं हो रही है वो आपको कंपनी जो दे रही है यार, मतलब ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा रेट पे मिलता है। सपोज़ एक एग्जांपल, आपने गाड़ी ख़रीदी, क्या कंपनी ने वो गाड़ी सिर्फ आपके लिए बनाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी गाड़ी बना रही है यार लाखों में, ठीक है, तो कंपनी को चाहिए कॉस्ट कटिंग, तो कंपनी कहाँ से करेगी। कुछ गाड़ी के आपने टायर देखे होंगे, आपको लगता है यार गाड़ी के टायर छोटे हैं, कुछ टायर छोटे होते क्यों यार, कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है उस चीज़ में, कंपनी आपकी गाड़ी के लिए नहीं कर रही है, कंपनी अपनी करोड़ों लाखों गाड़ियों कर ली है जिसमें कंपनी का जो फ़ायदा है वो करोड़ों पे पहुंच रहा है, ठीक है। अब कंपनी अपना पैसा कहाँ से निकाले, तो वो पैसा इसी चीज़ों में से निकालती है कि आपको पैकेज खरीदवा देती है या कहती है कि भाई अभी ये ऑफर चल रहा है इसमें खरीद लो। कंपनी का ये ना पैसे कमाने का तरीका है भाई। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सपोज़ करो कि आपने ख़रीद लिया वो पैकेज, ठीक है, उसमें आपका म्यूजिक सिस्टम चलो हद से हद स्पीकर के साथ 12,000, ठीक है, 12,000 का लगा लो यार, पार्किंग सेंसर चलो और 2,000, 15,000 का म्यूजिक सिस्टम, पार्किंग सेंसर, पूरा सब सिस्टम आ गया। अब भाई आप सोच के देखो क्या जो 15,000 रुपये आपके बचे, मतलब 30,000 का वो पैकेज था, जो 15,000 जो रुपये रिमेनिंग आपके बच रहे हैं, क्या वो आपको लगता है कि भाई 15,000 के उसमें आपके सीट कवर लगे हैं, मैट मतलब आपकी 15,000 की लगी होगी उसमें, क्वालिटी देख के भी आपको कभी लगता है यार, कमेंट में ज़रूर बताना यार कि आपको कभी क्वालिटी देख के लगा है कि वो चीज़ 15,000 की लगी हुई है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है भाई वो इसी चीज़ पे होने वाली है कि आफ्टर मार्केट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप शोरूम से ना खरीद के आफ्टर मार्केट ले सकते हो, आफ्टर मार्केट मतलब बाहर बाजार से ले सकते हो और उनसे आपकी वारंटी पे भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो भाई अब करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, और भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, चैनल को बेल आइकन दबाओ और हमें यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो यार, ऑटोमेशन 2444 के नाम से आप सर्च करोगे हमारा चैनल दिखेगा, मतलब पेज दिखेगा इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो करो यार और कमेंट ज़रूर करो यार, क्योंकि आपसे कनेक्ट होने का जो एक तरीका है ना भाई अभी फ़िलहाल वो कमेंट्स ही है यार, तो उसको ठीक करो, मतलब ठीक से मेरा मतलब है कमेंट करते रहो यार, चैनल को रिस्पॉन्स दो। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई हम आ गए नाहरपुर मार्केट में, रोहिणी में मार्केट है और आज अपना भाई भी हमारे साथ Hello, है भाई। और भाई हम जा रहे हैं लक्ष्मी शॉप पे, लक्ष्मी कार एसेसरीज पे, तो दिखाते हैं भाई शॉप के अंदर क्या है और कैसा सब है, खुश हो जाओगे आज की वीडियो से आप लोग। Thank you.
और अभी भी यार यहाँ पे हो रहा है नई वाली एकदम स्विफ्ट का काम। और सीट कवर अगर आपको दिखाऊं यार तो बिल्कुल अभी अभी इसमें सीट कवर लगे हैं, फिटिंग वगैरह देख लो भाई सब ऐसे है इसमें। और बैक डोर की भी फिटिंग अगर दिखाऊं भाई आपको, ये सीट कवर की फिटिंग अभी इसमें चल रही है। अभी भाई इसमें स्पीकर का काम चल रहा है। तो भाई अभी चलते हैं ना शॉप के अंदर, लक्ष्मी कार गैलरी शॉप है। और अगर आप अंदर देखो तो यार यहाँ पे खड़ी हुई है इग्निस मारुति की, बिल्कुल नई कार ये आई हुई है यहाँ पर। और ये कार आई हुई है यार यहाँ पे रैपिंग के लिए, जो आप देखते हो रैपिंग यार बाहर मार्केट में जो रैपिंग चलती है, तो वो अभी रैपिंग इस कार पे हो रही है। अगर शॉप को यार अभी अंदर से देखें तो इस शॉप में लगभग सारी एसेसरीज अवेलेबल हैं। जो भी एसेसरीज आपको आपके शोरूम से मिलती है वही सेम एसेसरीज, मतलब सेम वही क्वांटिटी वही क्वालिटी आपको हाफ रेट में लगभग पड़ जाती है। और एसेसरीज की बात करें तो यार चार्जर केबल और मतलब आपका स्टेयरिंग व्हील कवर और मैट कवर सब कुछ अवेलेबल है। जैसे ये जो आप कहते हो ना लट्टू आम भाषा में जो स्टेयरिंग व्हील पे लगाते हो, हर चीज़ मतलब यहाँ पे अवेलेबल है यार। और जो आपके कार के परफ्यूम आते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और प्लस यहाँ पे आपके स्पीकर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहते हैं। तो भाई अभी बात करते हैं हम इस शॉप के ओनर से, वो बताएंगे यार हमें कि मतलब उनकी शॉप पे क्या क्या काम होता है और क्या रेट लगभग मतलब चलता है एक अंदाज़ा। तो बात करते हैं ओनर से। तो ये अपने कपिल भैया हैं यार, और भैया एक बार बता दो आपकी शॉप कहाँ पड़ती है यार? नाहरपुर सेक्टर 7 मार्केट, नाहरपुर सेक्टर 7 में भैया की शॉप है। और भैया एक बार बता दो यार हमारे शॉप नंबर 1 है। शॉप नंबर 1 भाई, शॉप नंबर 1 है यार बिल्कुल एकदम। और शॉप आप देख ही चुके हैं, बहुत बढ़िया है। एक बार भैया बता दो क्या क्या काम आपकी शॉप पे हो जाता है? सारे हल्के जैसे रूफ टेपिंग होती है, सिस्टम हो गया आपका, स्पीकर, सीट कवर, मैट, हेडलाइट, प्रोजेक्टर हो गए, HID, मफलर हो गया सब का, और एसेसरीज सब अवेलेबल होती है। और जो जैसे कोई वहाँ से खरीदता है शोरूम से ऐसे ही, तो उससे रेट कम ही पड़ता होगा यहाँ पे? हाफ रेट में पड़ जाता है लगभग, चीज़ एकदम जेन्युइन पड़ती है ना के साथ। और जैसे कोई म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहता है तो फिटिंग वगैरह सब कपलर टू कपलर फिटिंग है? वारंटी का इशू रहता होगा थोड़ा बहुत? नो, कपलर टू कपलर होगी, 1 ईयर वारंटी के साथ दूंगा। अच्छा, आप 1 ईयर वारंटी के साथ देंगे? अच्छा ठीक है भैया। और लगभग एक अंदाजा कि टच स्क्रीन कितने से स्टार्ट हो जाते हैं आपके पास सही कंपनी के? 3200 से। अच्छा, तो भाई जैसा कि भाई ने आपको बताया कि मतलब एसेसरीज आपको यहाँ पे सारी अवेलेबल हो जाएंगी, और प्लस अगर आप यार म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी लगवाते हो लाइक वायरिंग का काम, तो आपको 1 ईयर वारंटी भाई की तरफ से ज़रूर मिलेगी। और भाई आप ज़रूर इस शॉप पे आओ और देखो यार काम, अपनी नज़रों से देखो भाई, पहले अपने आप को सेटिस्फाई करो उसके बाद कोई डिसीजन लो। और भाई का एड्रेस और नंबर आपको ना लिंक में मिल जाएगा, तो आप भाई को कॉल वॉल कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना टेपिंग का काम चल ही रहा है भाई, लगभग शायद पूरा ही हो गया है बस इग्निस पे टेपिंग का काम। गाड़ी सारी आती है और हर कार की हर एसेसरी अवेलेबल है यहाँ पे, कोई भी ब्रांड की कार हो, चाहे आपकी मारुति, चाहे होंडा, चाहे कुछ भी हो। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, और बेल आइकन ज़रूर दबाओ भाई। हम आपसे जल्दी मिलेंगे भाई अपनी नेक्स्ट वीडियो में।